नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सुजैन और आप देख रहे हैं के लेजेंड्स। दोस्तों, बॉलीवुड में से कई एक्टर्स रहे हैं जो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, और आज जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे थे, और वो एक्टर थे यूनुस परवेज। 786। हाँ बेटा, 786 हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं, जैसे होता है ना वो ओम, वैसे ही 786। दोस्तों, आपको याद हो तो यूनुस परवेज अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में रहीम चाचा के किरदार में नजर आए थे। 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें, इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। दोस्तों, ये एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में न सिर्फ अपना परचम लहराया बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपना जादू बिखेरा। तोहरे लचके जब का मरिया सारी दुनिया है लैला। इनका जन्म सन 1931 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। इनके वालिद यानी इनके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़े ऑफिसर थे, लिहाजा इनका अलग अलग शहरों में अक्सर ही तबादला हो जाया करता था। गया तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। जिस वजह से उन्होंने कुछ पढ़ाई मुगल सराय तो कुछ जौनपुर जैसे शहरों में की, और इसके बाद यूनुस परवेज अपनी एमए की शिक्षा के लिए इलाहाबाद पहुंचे, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने श्री हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राय मासूम रजा और अजीम शायर फिराक गोरखपुरी से शिक्षा ली। एमए की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने और भी आगे पढ़ाई करने का सोचा और पीएचडी करने की ठान ली, और फिर कुछ वक्त बाद ये एक्टर दीवान वीरेंद्र नाथ से मिलने दिल्ली की ओर निकल पड़े, और वहाँ इन्होंने अपने ज़माने की मशहूर राइटर कुशिया जैदी से मुलाकात की और फिर उनका थिएटर भी ज्वाइन कर लिया। ये वही वक्त था दोस्तों जब यूनुस परवेज जी को उत्तर प्रदेश के बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इतने नामी लोगों से मिलने के बाद दोस्तों यूनुस परवेज जी ने पीएचडी करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, और कुछ साल थिएटर में बिताने के बाद साल 1964 में ये मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में इन्होंने इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में ज्वाइन कर लिया, और यहाँ फिर एक बार इन्होंने बलराज सहानी और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम भी किया, और सन 1968 में इन्हें पहली फिल्म मिली जिसका नाम था हसीना मान जाएगी। इसके बाद सन 1971 में इन्हें फिल्म उपहार मिली जिसमें उन्होंने मांझी का किरदार निभाया था, और जिसमें इन्होंने मांझी के किरदार को बहुत बखूबी से निभाया, और फिर कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने के बाद इन्होंने एक बार फिर फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के साथ रहीम चाचा का किरदार निभाया था, जिसके बाद उन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। और इन्होंने आवाम, इंसाफ का तराजू और द बर्निंग ट्रेन जैसी धमाकेदार फिल्मों में काम किया। इन्होंने शशि कपूर, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और संजीव कुमार के साथ भी काम किया था। इसके बाद इन्होंने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था पहली नज़र का प्यार, लेकिन अफसोस कि ये इनकी आखिरी फिल्म थी। आपकी एक्सरे रिपोर्ट है पिताजी, डॉक्टरों का कहना है कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे मुझे खतरनाक बीमारी होती तो अब तक मैं सूख के कांटा हो गया होता। और ये 2008 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उनके बेटे अफसर खान ने ही डायरेक्ट की थी। 11 फरवरी 2007 डायबिटीज होने की वजह से यूसुफ खान जी ने दोस्तों इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।